तो फ्रेंड्स ये है स्टार फूड जो मैं खाने जा रही हूँ। बाकी उधर रखा है कटोरी में, ना मोही खा रहा है ना बीरू खा रही है। अरे क्या करूँ, बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। मीठा है, मीठा है। देखो करें ना, वो कटोरी लाओ तो मीठा वाला खाए। देख पूरा बाइट देख, तू देख पूरा है ना। ए खट्टा है, देखो खट्टा है, देखो करे ना। मीठा साठ को भी फेल कर दे रहा है। ये जो सबसे पका हुआ है जिसमें बीज है हल्का हल्का, खाओगे? नहीं हम खाएंगे। खट्टा है मगर वो झेल ले रहे, जस्ट लाइक पाइनएप्पल, एकदम पाइनएप्पल जैसा खट्टा है मगर झेल ले रहे। जो जितना पका है उतना ही मस्त है, जो जितना कच्चा है उतना, जो जितना कच्चा हो उतना ही बकवास है। माथा वाथा मत पीटो, ये टाइम नहीं माथा पीटने का। लग रहा है कान से धुआं निकल जाएगा। कैसे इतना खट्टा है जो, बहुत खट्टा। लेकिन आप बोल रहे थे कि मीठा है। इंडिया में सबसे खट्टा फ्रूट यही है। हम नहीं खा पाएगा। साल्ट को फेल कर देने वाला फ्रूट है ना मम्मा, मम्मा साल्ट को फेल कर देने वाला फ्रूट है मम्मा। ये नमक को फेल कर देता है ना? नहीं करता है, बस नमक को चिपका देता। देखो मम्मी का रिएक्शन, निकल गया धुआं। हम नहीं खाएंगे, बस करो अपना नाटक, दिमाग खराब हो गया। अब कल फ्रिज में रखो, ठीक है। ये है स्टार फ्रूट, बहुत ही मस्त, बहुत ही खट्टा, बहुत ही शानदार, मजा आ जाता है खा के। विटामिन सी रिच, विटामिन सी। मैं इसे स्टार बना के खाऊं? पहरी खाओ। और ये देखो कैसे कटिंग करेंगे, पकड़ो बीरू इसको। अरे मम्मा वो ला, तुम पकड़ो उससे। अच्छा इसको पकड़ो उस वाले से, इससे नहीं, इससे अच्छा बनेगा। कैसे? इसमें चोट नहीं ना है। इधर नजदीक मिले आओ। ये देखो स्टार फ्रूट, वाओ स्टार, दिखा क्या स्टार है, स्टार है, क्या स्टार है ये है, एकदम स्टार लगता है। इसको तो आसमान में चिपका देने चाहिए, है ना? हाँ। ये भी काम पिक्चर शूटिंग के लिए बहुत काम करेगा। शूटिंग के लिए बहुत काम करेगा। हाथ बचाना बेटा, ये लग तो बहुत अच्छा है। हाँ ये भी काट है, सबसे अच्छा वही लगा मेरे, बड़ा है ना इसलिए। नहीं उसका शेप एकदम अच्छा है। हाँ यार ये डंडी भी खींच सकते हैं। खा के भी देखो, केवल कटवा रहे हो, खा के भी तो देखो। हमको डिजाइन देखने के लिए। आ हा हा, डिजाइन देखने के लिए खाओ। मैं खा, खाओ बहुत फायदा करेगा, विटामिन सी होता है। मैं कहा था खट्टा है। और खाओ, अच्छी चीजें खाते हैं बेटा। क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनना है कि नहीं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं करना है, मगर बहुत खट्टा है। अरे तो खाओगे, बर्दाश्त करोगे तभी तो लड़ाई कर पाओगे। फूल जैसा बन के कौन जिया है दुनिया में, कोई फूल बन के जिया है? पूरा दिमाग ना खट्टा खट्टा हो गया एकदम, मन गन गन आ गया, मन तो कर रहा है। अब और नहीं हो पाया, बस करो तहरी खाएंगे और स्वाद बदले मुंह का। थैंक गॉड आराम मिला। 4 3 5 0 2 7 5 0 4 3 8 2 7 4 राइट हैंड को बच्चा नंबर पढ़ो 4 5 0 5 3 4 4 3 4 3 7 2 अभी 5 0 4 2 7 3 अभी 3 0 7 4 2 5 7 अभी 3 2
07 58 चलेगा ओके इन्फेक्शन है तो एक बार दिखा देते हैं जी बस ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू मोहित डांस कर रहा है और वो है वीरू खा रही है चॉकलेट क्यों क्या हो गया अब शर्म आने लगी तो मैं आई हूँ के आई हॉस्पिटल पुणे जहाँ पे मोही का आईज चेकअप करा रही हूँ और थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था कुछ इसको एलर्जी ना सर्दी खांसी वाली भी है मुझे भी थी तो मैंने अदरक का जूस देना शुरू किया तो इसको ही फायदा मुझे ही फायदा है लेकिन वो आँख वाला जा ही नहीं रहा एलर्जी मैम जो आपने दवा दिया ना बहुत फायदा किया है ये तो पूरा नहीं ठीक हो रहा है एक्चुअली वो दवाई अपन को और थोड़े दिन चालू रखना पड़ेगा गोली का हो गया ना पूरा 5 जी जी अभी एक डोज आज का है मैम सुबह दी थी ये आधा बचा हुआ है कल सुबह देके खत्म कर दूंगी हाँ ठीक है तो गोली बंद कर दो आप जो ऑइंटमेंट है हाँ, वो चालू रहने देना है जी और मैं एक ड्रॉप और दे रही हूँ जी ऑइंटमेंट रात में एक टाइम चालू रखो आप ठीक और जो ड्रॉप है वो दिन में 3 बार डालना है दोनों आंखों में एक हफ्ते के लिए जी आज का थोड़ा सा नंबर भी चेक कर लेंगे ऊपर का इन्फेक्शन तो चला गया है लेकिन मलम जो है वो और एक हफ्ता पूरा चालू रखो क्योंकि उसको बार बार हो रहा है ना बच्चा स्कूल जाता है ना तो मैं स्कूटी पे कहते चश्मा लगाओ कभी लगाता है कभी छोड़ देता है अभी छोड़ा था ना तो पूरा ट्रैफिक धूल धूल है मैं तो खुद लगाती हूँ मैं तो कंपलसरी लगाती हूँ और ये नहीं लगा जहाँ इग्नोर करता है वहाँ तुरंत इचिंग मैं कहती हूँ यार प्लीज हेल्प करो अपनी मैं कितना आप स्कूल पहुंचे चश्मा नहीं लगाना तो मुंह तो भी धो लो हाथ और मुंह सोप से धो लो ठीक है तो उससे वो धूल मिट्टी जो आंख में मेरी नहीं सुन रहे हो मैम की तो सुन लो आपको तकलीफ होगी मम्मी को नहीं आपको ज्यादा तकलीफ होगी आपकी आंख दुखती है ना देखो हाँ? अभी चश्मा लगने का नंबर नहीं कुछ नहीं है अभी सब कुछ ठीक है बस तुम ना अपना प्रिकॉशन रखो बस गाड़ी पे बैठे चश्मा लगा लो अच्छा हो जाएगा दवा टाइम से अपना कर लो बस उतना ही बहुत है हाँ वो म्यूकस बनना भी कम नहीं हुआ है मैम वो ना मतलब हल्का हल्का म्यूकस बन रहा है और वो चिपचिपा आता ही है नहीं आ नहीं रहा है हल्का हल्का बन रहा है कमी आई है सुधार हुआ है लेकिन पूरा नहीं गया नहीं लाली कब हुई है रेडेस्ट लाली लाली तो नॉर्मल ऐसे ही रहती है ठीक है इस आंख में लगाता है सब कुछ ना दोनों में दोनों का और बाकी कोई तकलीफ होती है कोई तकलीफ नहीं मैम ये दर्द होता है इचिंग होता है सब कुछ होता है।